घर में दरिद्रता और गरीबी आने के मुख्य कारण। पहला, घर के दरवाजे से आवाज़ आना। जब आप घर के दरवाजे को लगाते हैं या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आती है तो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है, जैसे आप किसी मंत्र को सुनते हैं। दूसरा है, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण। गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठाते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है और पीठ में दरिद्रता का वास होता है, जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश होती है। तीसरा है, घर में झगड़े होने के कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पे, जैसे प्रातःकाल का समय हो, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। चौथा है, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता आ जाएगी, लेकिन यदि आपके झाड़ू से सीप बाहर निकल रही है या आपके झाड़ू से लगाने पर उनके कुछ अंश टूट कर बाहर निकलता है तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। पांचवा है, घर में मकड़ी के जाले आने के कारण। घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। छठा है, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से गरीबी और दरिद्रता आती है। सातवां है, घर की नल से टप टप की आवाज आना। यदि आपके घर के नल खराब है और उसमें हमेशा पानी लीक होता है, जिसके गिरने से टप टप की आवाज आती है, जिसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा की संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। आठवां है, सूर्य उदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातः का सूर्य उदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जिसे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रस्त हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है और घर में गरीबी आना दरिद्रता का वास होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले इस तरह से अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।